पर क्या कारण है आज जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग नहीं पहुँचे, चेहरे बिल्कुल खाली हैं, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपना कीमती टाइम निकाल के इधर आए हमारे पास। आज बहुत दुखद की बात है, देखो हमारे 30-40 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं, हमारे पास 3 या 4 डिपार्टमेंट हैं, कोई किसी की अपनी मुझे फॉर्मेलिटी समझता ही नहीं है, हमारी कोई ड्यूटीज है, कोई अपनी समझता ही नहीं है, मेरी नौकरी है कुछ है। हम अच्छा तरीके से कर रहे हैं, बैक टू बिल्ड हम सोच रहे अच्छा होगा, हमारे सभी मुलाजिम आज कोई भी नहीं यहाँ पर, हमारे वेस्टिंग अफसर अपने टाइम पर आ गए हैं। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट इधर पहुँचा हुआ है? हमारे पास एक सेल्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है, एक अपना सोशल फॉरेस्ट्री आया, एक इरीगेशन का आया, एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, बाकी हमारे ब्लॉक के ग्राम सेवक साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं, बाकी पंच हैं, हमारे पंच हैं, बाकी कुछ कोई हमारे डिपार्टमेंट कुछ लोग काफ़ी डिपार्टमेंट हमारे नहीं आए आज। तो क्या कहना चाहोगे सर, क्या मैं यही कहता हूँ, हम सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, रात को 10 बजे घर जाते हैं, सरपंच पंच, बाकी हमारे मुलाजिम देखो आज ये हालत है, कैसे काम चलेगा, कैसे हम डेवलपमेंट ग्राउंड में करेंगे, मैं दुख होता है हमारे, देखो कोई एक भी मुलाजिम नहीं आज, हम मेरे अपने पंचायत के स्कूलों के देखो 3-4 स्कूल है, मेरी पंचायत एक मास्टर नहीं यहाँ पर आया, हमें उनको घर जाकर ढूंढ रहे हैं, या फिर ड्यूटी से 6-6 महीने 8-8 महीने से कोविड-19 में घर बैठे हैं, इनकी ड्यूटीज नहीं बनती है। एक गवर्नमेंट ने हमारा आज ऐसे कर दिया, हमारा जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था वो 10 से 12 था, उन्होंने ऑन स्पॉट कॉल एक मैसेज निकालने या कल से शुरू करो, हमारे पास कौन सी इतनी बड़ी पावर है, हम आज ही सारा अरेंजमेंट आज कर देंगे, कोई पूछता नहीं, अपनी मर्जी से जब होता कर देते हैं ऊपर से। बाकी हमारे कुछ काफ़ी डिपार्टमेंट जो देखो नहीं है, मेरा हमारे गाँव में एक रोड बन रहा है PM GSY का, वो एक डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ कोऑपरेट करता है, आज देखो 6 महीने में उन्होंने पूरा हमारा रोड कम्प्लीट कर दिया है। एग्रीकल्चर वाले हमारे हैं, वो हमारे बीच बैठे हुए हैं, हमारे साहब को करते, बाकी मैं 2-4-10 डिपार्टमेंट हो रहे ऐसे हैं जो मिलते नहीं, हार्टिकल्चर वाले कहाँ देखो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं डीसी मैडम? मैं डीसी मैडम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मुलाजिम को पूछा जाए आप क्यों नहीं सरपंच से, आपको बदबू आती है, शर्म आती है, आप क्यों नहीं ड्यूटी पर आते हैं आप? मेरा नाम बाबूराम है, मैं पंच कलाट से हूँ, मेरा आपसे ये निवेदन है कि और मेरी डीसी मैडम से भी ये निवेदन है कि अगर हमारा जहाँ पे आपने बैक टू विलेज का प्रोग्राम रखा है, बैक टू विलेज के प्रोग्राम में यही फ़ायदा होता है कि आपके सभी ऑफिसर जो हैं वो ऑन स्पॉट वहाँ पे होते हैं, PR के मेंबर होते हैं, लोग वहाँ पे होते हैं, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं, लोगों के काम होने चाहिए, जब हमारे पास ऑफिसर ही नहीं जहाँ पे आएंगे, हमारे लोग वहाँ सुनने का कोई आएगा ही नहीं, तो हम किसको बात सुनाएंगे? आज आप हाल तरीके जब बैक टू विलेज में नहीं आ रहे हैं तो ये कौन सी बात और से फंक्शन में हमारे आते होंगे जहाँ हमारी बात सुनते होंगे, हमारी कहीं भी बात की सुनाई नहीं हो रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग हम पे पूछते हैं कि हमारे काम कब होंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे? हम सिर्फ 2-3 डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ कॉपरेट करते हैं, RD डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये 2-3 डिपार्टमेंट जो है हमारी बात सुनते हैं, क्या हालत है? जब तक हम PHE की जो आप बात करें तो आज हमारी PHE के बीच में बहुत बुरी हालत है, लोगों को जब 1987 से हमारे गाँव के बीच में कनेक्शन लगे थे, पाइपें लगी थी, उस वक्त से लेकर आज तक कितने घर आबादी बढ़ गई है, पानी का बुरा हाल है, लोगों को पानी तक नहीं मिलता है। उसके बाद आप रोड की हालत देखो, रोड का काम जो है अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो थोड़ी तेज़ी से चला है, हमें भी लग रहा है कि आप काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। इरिगेशन की कूल जो है वो बहुत देर से बनी हुई है, वहाँ पे जो है पानी लीकेज हो गया है, हमने बहुत बार उनको ये निवेदन दिया है कि हमारी पाइप जो कूलें हैं वो लीकेज हो रही हैं, आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद जो है बाकी भी डिपार्टमेंट का सबसे बुरा हालत है, इसी तरह से लोगों की जो है डिमांड्स बहुत हैं, काम कुछ नहीं होते हैं, हमारे से निवेदन है कि इन लोगों को अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना है, इसी तरह लोगों को सुविधाएं दी जाएं, ताकि लोग जो अपने गांव में रुख करें, रुख तो तभी करते हैं जब गांव में सभी सुविधाएं मिलेंगी, गांव में कोई सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्कूलों की बुरी हालत है, हाई सेकेंडरी स्कूल पास है, आधे से ज़्यादा वहाँ पर लेक्चरर नहीं होते हैं, कैसे काम चलेगा लोगों का? बैक टू विलेज में तभी लोग वापसी करेंगे जब उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, अगर पूरी सुविधाएं देनी है इन चीज़ों के ऊपर पूरा जोर दिया जाए, ताकि हमारे लोग जो हैं इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा लें, ताकि और गाँव में रह सकें।